ओके वंस द प्रेसिडेंस चार्ट इज डेवलप तो बैलेंसिंग वर्क जो है सेंटर का वो हम करते हैं फॉलोइंग दिस स्टेप वन इज डिटरमिन द साइकिल टाइम और साइकिल टाइम हमने जो कैलकुलेट करते हैं वो है कि टोटल टाइम अवेलेबल पर डे अगर वन एट आर शिफ्ट है तो देन डेट मीन्स कि फोर हंड्रेड एटी मिनट्स होंगे क्योंकि एट मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी मिनट्स तो फोर हंड्रेड मिनट्स होंगे और इसी हिसाब से हमने देखना है कि हमारे पास पर uh, डे कितना टाइम अवेलेबल है जो कि हम इसकी प्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर डे दैट विल गिव अस द साइकिल टाइम बेसिकली साइकिल टाइम इन असम्बली लाइन बैलेंसिंग के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं एज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव यूनिट्स कमिंग ऑफ द लाइन मतलब यह है कि असम्बली uh, uh, के लाइन के ऊपर कई यूनिट्स डिफरेंट वर्क सेंटर्स के ऊपर मौजूद होंगे हमने ये देखना है कि एक यूनिट जब लाइन से बाहर निकला है तो उसकी कितनी देर के बाद दूसरा यूनिट बाहर निकल रहा है दैट इज बेसिकली द साइकिल टाइम इसको हम इधर साइकिल टाइम कंसिडर करते हैं और यही ही डिटर्मिन करते हैं हमारे प्रोडक्शन रेट साइकिल टाइम अब साइकिल टाइम बेसिकली क्या है देर आर लेट्स से फाइव डिफरेंट वर्क स्टेशन एक वर्क स्टेशन टेन मिनट्स लेता है एक एलेवन मिनट लेता है थर्ड वर्क स्टेशन ट्वेल्व मिनट्स लेता है फोर्थ एट मिनट्स के अंदर जो टास्क साइन किए हैं वो एट मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है और फिफ्थ जो है वो नाइन मिनट्स में कम्प्लीट हो रहा है तो इसके अंदर जो मैक्सिमम टाइम वर्क स्टेशन ले रहा है दैट इज नंबर थ्री इन दिस केस ट्वेल्व मिनट्स तो ट्वेल्व मिनट्स विल बी योर साइकिल टाइम दैट मीन्स कि जो साइकिल टाइम आपने डिटर्मिन किया है उससे ज्यादा किसी भी वर्क स्टेशन का टाइम नहीं हो सकता अदरवाइज आप प्रोडक्शन रेट वो अचीव नहीं करेंगे जिस, जिसकी रिक्वायरमेंट है द सेकेंड थिंग इज थोरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन थोरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन बेसिकली ये है कि आपने जितने भी टास्क हैं जैसे हमारी एग्जाम्पल में थे देर आर ए टू आई टास्क थे और उनका टोटल टाइम मिलाएं तो 66 मिनट्स बनता है तो वो 66 मिनट्स डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम जो कि हमने डिटरमिन किया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थोरेटिकल मिनिमम वर्क स्टेशन आ जाएंगे थोरेटिकल मिनिमम वर्क स्टेशन का एक आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ थोरेटिकल मिनिमम वर्क स्टेशन और फिर आप टास्क असाइन करते हैं थोरेटिकल मिनिमम आपने पाँच किए हुए वर्क स्टेशन डिटर्मिन जब आप असाइन करते हैं तो वो चार में आप असाइन कर देते हैं दैट मीन्स कि देर इज सम मिस्टेक इन योर असाइनमेंट और कैलकुलेशन क्योंकि थोरेटिकल मिनिमम से कम आप नहीं असाइन कर सकते उससे ज़्यादा हो सकता है उससे कम वर्क स्टेशन नहीं होंगे आ, इसके अंदर फिर हमने लाइन बैलेंस करनी है आ, और उसके अंदर हमने जैसे आइडेंटिफाई करनी है मास्टर लिस्ट जो कि पहले हम कर चुके हैं ए टू आई वो टास्क हैं अच्छा जब असाइनमेंट का वक्त आएगा तो वो टास्क हमने एलिमिनेट कर देने हैं जो कि असाइन हो चुके हैं फॉर ए असाइन हो चुका है तो ए को हमने एलिमिनेट कर देना उस लिस्ट में से नेक्स्ट आपके पास अब कौन से अवेलेबल स्टेशन uh, है असाइन करने के लिए तो इस केस के अंदर हम आगे उसमें करेंगे असाइन uh, इसके अंदर बी uh, और ई e अवेलेबल है बाकी कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि जब तक बी और ई e में से एक और कंप्लीट नहीं होगा कोई और टास्क असाइन हम नहीं कर सकते प्रेसिडेंस रिलेशनशिप की वजह से तो वो हमने देखना है बी और ई में से बाकी उनको भी खत्म कर देना है फिर बाकी बी और ई बच गए अब बी और ई में हमने देखना है कि टाइम वाइज अगर हम इसको भी वर्क स्टेशन ए के साथ असाइन कर देते हैं तो कहीं ये टाइम जो है साइकिल टाइम से बढ़ तो नहीं जाएगा अगर बढ़ जाएगा तो उसको भी एलिमिनेट कर देना और जो बाकी बच जाएगा उसको फिर असाइन करना है बेस्ड ऑन द रूल्स देर आर नंबर ऑफ रूल्स जिसको हम फॉलो कर सकते हैं तो उसके अंदर जिसको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर हमने टास्क असाइन करने हैं अच्छा इसके अंदर ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो बेसिकली लॉन्गेस्ट टास्क टाइम फर्ज मीनिंग जिस जितने भी कंपिटिशन uh, में आए हुए हैं टास्क कि इनमें से कौन सा असाइन करें तो उसमें जिसके भी सबसे ज़्यादा टाइम है उसको असाइन करें दूसरा है कि मोस्ट फॉलोइंग टास्क फर्स्ट के जिस टास्क के भी फॉलोइंग टास्क ज्यादा हैं उसको असाइन करें रैंक पोजिशनल वेट इज बेसिकली कि जो टास्क कंपटीशन में है उसके बाद जो फॉलोइंग टास्क आ रहे हैं उन सब का टाइम आप टोटल करें जिसका भी ज्यादा टाइम आ जाएगा उसको असाइन करेंगे पहले शॉर्टेस्ट टास्क टाइम फर्स्ट इज exactly opposite of first one isi tarah fifth one least number of falling tasks first is exactly opposite of second one so these are some of the rules jo ke use kiye jate hain ek khayal rakhna hai ke har center ki aur station ki assignment ke liye हमने same rule use करना है ये नहीं कि एक स्टेशन के लिए डिफरेंट और दूसरे के लिए डिफरेंट एक असम्बली लाइन में एक ही रूल यूज़ होगा और अगर दो या तीन में टाई पड़ जाए तो दूसरा फिर हम रूल यूज करेंगे फॉर एग्जांपल पहला रूल हो सकता है असाइनमेंट के लिए लॉन्गेस्ट टास्क टाइम फर्स्ट और अगर टाई पड़ जाती तो हम कहेंगे कि ओके okay, हम यूज करते हैं मोस्ट फॉलोइंग टास्क फर्स्ट इस रूल से हम वो टाई को ब्रेक कर लें